हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माई चैनल। कैसे हैं आप लोग? और कमेंट करके ज़रूर बताना। और अब मैं बना रही हूँ पोहा। तो सबसे पहले मैंने पोहा को पानी में डाल के उसको निकाल दिया किसी चलनी में, ताकि उसका पानी बिल्कुल सूख जाए। और उसके बाद मैं तेल डाल लिया है। तेल डाल के मैंने इसमें सरसों के दाने डाले हैं, हींग डाले हैं, कड़ी पत्ता डाला है। इन्हें भूनने के बाद में मैं प्याज, हरी मिर्च वो टमाटर और हरी मिर्च डालूँगी, क्योंकि मुझे पहले टमाटर गलने होते हैं, प्याज मुझे कच्ची रखनी होती है, तो इसलिए पहले टमाटर और हरी मिर्च डालूँगी। और हल्का सा इसके ऊपर मैं नमक डाल दूँगी। जब ये गल जाएंगे तो उसके बाद में प्याज डालूंगी। तो प्याज को मैं ज़्यादा नहीं भूनूंगी, थोड़ा बहुत भूनूंगी। उसके बाद में मैं इसमें हल्दी, धनिया, मिर्च ये सब डाल लूँगी। और मैं इसमें थोड़ी सी चीनी डालती हूँ, 1 चम्मच के करीब चीनी डालती हूँ। और नींबू का रस डालती हूँ, आधा नींबू का रस डाल देती हूँ उसमें मैं। तो मुझे बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका, खट्टा मीठा एकदम से पोहा बहुत टेस्टी बनता है। इस तरह से हल्का सा अमचूर भी डाल देती हूँ। और बस इस तरह से ये सब डालने के बाद में फिर उसके बाद में सब मिला लेती हूँ अच्छे से। और उसके बाद में फिर मैं पोहा इसमें ऐड कर देती हूँ। पोहा ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छे से चला लेती हूँ, क्योंकि इसमें कलर चढ़ना थोड़ा सा देर में होता है, तो उसको अच्छे से मैं पहले चला ही लेती हूँ। जब अच्छे से पूरा चल जाता है तो उसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं नमक डाल देती हूँ, जितना मुझे नमक चाहिए, क्योंकि नमक में थोड़ा सा टमाटर में भी डाल देती हूँ, तो इसलिए उसके हिसाब से फिर मैं नमक डालती हूँ कि कितना मुझे चाहिए नमक, क्योंकि फिर ज़्यादा कड़वा ना हो जाए इस वजह से। तो बस मैं पोहा इस तरह से बनाती हूँ। और आपके पास मूँगफली हो तो आप मूँगफली में भी मूँगफली की गिरियाँ भी डाल सकते हैं भून के, वो भी टेस्ट अच्छा आता है, पर मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। और जब इन लोगों को पसंद होता है तब मैं डाल देती हूँ। अभी मूँगफली गिरी ख़त्म हो रही थी तो इसलिए नहीं डाला था मैंने। तो बस इस तरह से नींबू का रस निकाल के अलग से रख लिया था मैंने, तो ये भी मैंने इसमें ऐड कर किया था। और मूंगफली की गिरी डाल के, अगर मेरे ये लोग तो ऐसे भी खाते हैं, मूंगफली ना डालो तो नमकीन डाल लेते हैं कोई सी, तो वो भी इनको मूंगफली जो आती है, मूंगफली बेसन वाली नमकीन आती है, वो भी अच्छी लगती है इसमें डाल के। लेकिन मुझे सिंपल ही पसंद है, मैं ऐसे ही बनाती हूँ जब भी बनाती हूँ। आप कोई वेजिटेबल डालना चाहो वो भी डाल सकते हो, पर मैं वेजिटेबल भी नहीं डालती, मैं ऐसे ही मुझे पोहा पसंद है, क्योंकि फिर सभी में सब्जी सब्जियाँ सभी में हो जाती हैं, तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे ही बनाती हूँ अलग से, तो बहुत अच्छा बनता है। बस इसको 5 मिनट के लिए फिर फ्राई कर लेते हैं, बस मेरा पोहा रेडी है। तो आप लोग कैसे बनाते हैं बताना ज़रूर। और ये मेरा पोहा तैयार है, आप भी खा लीजिए। और ये मैंने चाय बनाई है, तो चलिए नाश्ता करते हैं। और पोहा बन जाता है, चाय भी बना लेती हूँ, उसके बाद मैं आके नाश्ता करने लगती हूँ। बाकी सारा काम हो गया था। और आज उसमें मोदी जी का भाषण आ रहा था सुबह के टाइम में, तो वो देखने लगे, ऑन किया तो देखा तो वो स्टार्ट हो रहा था, तो बस वो ही देख रहे थे मोदी जी के भाषण को हम लोग। और बस उसके बाद मैं पोहा खाया, बहुत टेस्टी पोहा मुझे इस टाइप से बहुत लगता है, आप लोग बना के देखना। खट्टा मीठा पोहा मैं पहले सिंपल बनाती थी, नींबू का रस और चीनी वगैरह बिल्कुल भी नहीं डालती थी, तो बस सिंपल लगता था। लेकिन तब से मैं डालने लगी ना, मुझे बहुत टेस्टी पोहा लगने लगा, ऐसा लगता है मैं खाती रहूँ, बस इतना टेस्टी लगने लग गया। बस उसके बाद में सब लोग नाश्ता कर रहे थे, बच्चों की क्लासेस बीच बीच में चल रही थी, तो उसी टाइम मैंने फ़ोन ले लिया था, तो रिकॉर्डिंग कर ली थी थोड़ी सी। और बस हम लोग नाश्ता कर लें, आप लोग भी कर लीजिए। और बस उसके बाद में मैंने मंदिर में दीपक भी यहीं जला रखा है, तो आप लोगों को दिखाती हूँ मंदिर का दीपक जला हुआ, क्योंकि जब भी पूजा की थी तो तभी की तभी मैंने पोहा जल्दी बन चुका था, दीपक जल ही रहा था जब तक, तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। तो बस और पाखी सो के उठी थी तो ये ब्रश व्रश कर रही थी, तो मैंने इसकी भी क्लिप्स ले ली थी थोड़ी सी। और ये हमारी पाखी बहन जी अब ब्रश कर रही है, अभी उठी है सो के। कितना टाइम हो रहा है? 11:30, 11:30 पौने 12 बुध पूर्णिमा मना रही है आज ये उठ के और बैठी थी, मैंने सोचा थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेती, आराम से बैठी है दीवार पे बैठ के, इसका ब्रश हो रहा है। गुड मॉर्निंग, कभी देखती रहेगी। गुड मॉर्निंग, चलो ब्रश करो जल्दी से, फटाफट से नहाओ। और कार्तिक क्या कर रहे हैं? करा इसलिए बनाई। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? और बस कल का वीडियो थोड़ा सा छोटा सा बना था, कल बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं थी, आज भी थोड़ा सा है, अभी सर भारी भारी सा होने लग गया एकदम से। बस अभी नाश्ता हुआ है अभी, और कुछ नहीं हुआ, अभी बच्चे उठे हैं, इनको नाश्ता देना है। और आज क्या बना रही हूँ मैं खाने में, मैंने दाल सुबह उठ के चने की वो भिगो दी थी, सोचा लौकी रखी हुई है और लौकी चने की दाल बना लूंगी, तो वो ही बनाऊंगी।
और अभी नाश्ता करने के बाद आलस आ जाता है ना, बैठ जाती हूँ थोड़ी देर के लिए। अभी थोड़े से बर्तन पड़े वो भी करने हैं, और तबीयत पता नहीं क्या हो रहा है, ऐसे ही चल रहा है, पता नहीं क्या, पैरों में दर्द, सर घूम रहा है, चक्कर से आ रहा है, अजीब सा हो रहा है। लेकिन आज तो फिर भी टाइम से थोड़ा सा उठ गई, थोड़ा सा सर बस भारी हो रहा है अभी, मैंने कहा लगती हूँ फिर काम में। और पता नहीं पार्लर कब खुलेंगे, लॉकडाउन बढ़ गया है, अमित थ्रेडिंग भी बढ़ गई है, पता नहीं कब बनेंगी। फिर भी मेरा इतना पता नहीं चलता है, किसी किसी को तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हो गया ब्रश, जा नहा के आओ। और कार्तिक भी नहा चुका है, देखती हूँ उसको क्या कर रहा है वो। ओहो ओहो, ये देखो ये नहा चुका है, और नहा के इसने बेडशीट भी सही कर दी है, क्योंकि बेडशीट पे दोनों सो रहे थे तो मैं कुछ नहीं करा था अभी तक, और बेडशीट पूरा गंदा, बिन्स का सारा ब्लैंकेट फैले पड़े थे इस पे, तो इसने सही कर दिया है। गुड मॉर्निंग कार्तिक। शर्माते इतने ना बच्चे, कुछ नहीं कह सकते इनसे, मतलब तुरंत चल पड़ते ना, कुछ बोलते ना कुछ भी। तो आज का दिन तो बस ऐसे ही हो रहा है, मेरी तो पता नहीं तबियत को क्या हो गया, समझ ही नहीं आ रहा मुझे हो क्या रहा है, पता नहीं ऐसी वीकनेस सी लग रही है। और क्या बताऊं, बस आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि वीडियो देखो, लाइक किया करो, शेयर किया करो, कमेंट्स किया करो, क्योंकि जिस वो ही होता है ना, हम सबकी वीडियोस देखते हैं जितने यूट्यूबर्स होते हैं, लेकिन वो हमें बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं, हम उन्हें कितना बोले या कैसे भी, वो एक बार उनका मैसेज का रिप्लाई तक भी नहीं देते हैं, ये हो जाता है। तो हम लोग ये है कि सबकी देखते हैं, फिर भी हमें भी लगता है कोई हमारी भी देखे, हमें भी कमेंट करे, हमें भी लाइक करे, हमारे भी सब्सक्राइब बढ़े, तो बस ऐसे ही लगता है। और वो लोग बिल्कुल भी नहीं रिप्लाई देते हैं, बिल्कुल भी नहीं देते हैं। मैं तो कितनी यूट्यूबर्स को करके मैसेज करके देख चुकी हूँ इंस्टाग्राम पे, वैसे कोई भी कोई रिप्लाई का जवाब तक नहीं देता है, और तो चलता गया है। तो कम से कम बॉयज की बातों का रिप्लाई ना दे, गर्ल्स की तो दे ही सकते हैं ना, ये है। तो अब मैंने सबका छोड़ दिया, कोई किसी के काम नहीं आता, सबको अपना काम अपना आप करना पड़ता है, और लक होगा तो ग्रो हो ही जाएगा चैनल, वरना मैं काम ऐसे करती रहूंगी बस। तो चलिए, और मैं सब्जी छोक लेती हूँ, और हेडेक अभी भी हो रहा है, सब्जी तो छोकनी इन दो। और हाँ, मैं नाश्ते में क्या बनाया, मैंने पोहा बनाया है, आप लोगों के साथ शेयर भी किया है मैंने। और पोहा हर तरह से बनता है, सब लोग मूंगफली की गिरियां भी डालते हैं उसके अंदर, डाल सकते हैं, मेरे को इतनी अच्छी नहीं लगती मूंगफली की गिरियां, तो इसलिए मैंने नहीं डाला। मैंने खट्टा और मीठा वाला बनाया है, तो मुझे वो अच्छा लगता है, तो आप लोग ट्राई करना, बहुत अच्छा लगता है ये वाला पोहा। तो चलिए फिर मिलती हूँ आप लोगों से। और कार्तिक क्या कर रहे हैं, क्या मांग रहा कोड, ब्रेकफास्ट कर लिया, देखो ब्रेकफास्ट रखा हुआ यहाँ पे। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे। मैं किचन में आ गई हूँ, मुझे लौकी चने की सब्जी बनानी है, और मैंने ये बांध लिया, मेरे सिर में दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा, तो इसी वजह से काम तो करना है, तो उसको बांध के मैंने अच्छे से काम करना है। चलो इसमें थोड़ा सा आराम मिल जाता है, इसे बांधने में टाइट हो जाता है जैसे सर, इस वजह से मैं इसको बांधे हैं। तो चलो मैं सब्जी कट कर लेती हूँ। Thank you.
सब्ज़ी कट कर ली थी, उसके बाद मैंने इनको वॉश कर लिया था अच्छे से, और कुकर में तेल डाल के गरम कर लिया था सरसों का, और उसके बाद मैंने हींग डाल दी इसमें और जीरा डाल दिया। इनको भुनने के बाद मैंने प्याज और टमाटर हरी मिर्च सब कट कर रखा था, तो मैंने प्याज और हरी मिर्च इसमें डाल दी। इनको भुनने के बाद में मैंने टमाटर ऐड कर दिए, जब भी अच्छे से भुन जाते हैं हल्का सा नमक डालती हूँ तो वो गल जाते हैं। उसके बाद मैं इसमें सारे मसाले ऐड कर देती हूँ, तो हल्दी मिर्च धनिया और ये सब ऐड कर दूँगी। कश्मीरी मिर्च में डालती हूँ कलर के लिए, थोड़ी सी अच्छा कलर आ जाता है सब्ज़ी में और देखने में भी अच्छी लगती है सब्ज़ी। तो उसके बाद में फिर उसकी मैंने लौकी और दाल जो है चने की, वो मैंने कम सुबह ही भिगो दी थी, तो वो काफ़ी अच्छी फूल गई थी। चने की दाल हम भिगो के बनाते हैं तो अच्छे से जल्दी गल जाती है, अदरवाइज़ जल्दी से नहीं गलती है अगर हम साथ के साथ में, बहुत सीटियाँ लगानी पड़ती हैं। तो इसलिए जब भी आप चने की दाल बनाओ तो उसे भिगो लो पहले 3-4 घंटे पहले, तो वो फूल जाएगी। और बस लौकी और चने की दाल मैंने दोनों मिक्स कर दिया था इसमें और दोनों को डाल दिया था। आपको थोड़ी सी लिक्विड बनानी है तो थोड़ा ज़्यादा पानी डाल लीजिए, अगर थोड़ा कम करना है तो थोड़ा कम पानी डाल लीजिए। तो मुझे थोड़ा ठीक ठीक सी बनानी थी तो इसी वजह से मैंने इसमें थोड़ा पानी डाला था, और उसके बाद मैंने इसके कम से कम 4-5 सीटियाँ लगा दी थी। तो इस तरह से मैं लौकी की सब्ज़ी बनाती हूँ। उसके बाद में जब भी प्रेशर निकल जाता है तो उसको अच्छे से कुकर से मैं घोट देती हूँ, इसमें उसको घोट देती हूँ अच्छे से, ताकि उसको वो सही से हो जाती है और बहुत टेस्टी बनती है। और नमक, हाँ नमक तो मैंने डाल आपको बताया ही नहीं, इसमें मैंने फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक भी डाल दिया था। तो बस इस तरह से मैं कुकर लौकी की और चने की दाल की सब्ज़ी बनाती हूँ। आप लोग कैसे बनाते हो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना, और कोई अलग तरीके से भी बनती हो तो वो भी मुझे बताना, क्योंकि आदमी सीखते सीखते ही सब चीज़ें सीख ही जाती है। जितना मुझसे आता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और जो आपके साथ आपको आता है वो मेरे साथ शेयर कीजिए, और कमेंट ज़रूर किया कीजिए ताकि मुझे पता चले आप लोगों को क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं लग रहा है। और लाइक ज़रूर किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी किया कीजिए। वीडियो को देखने के बाद लाइक तो देखने से पहले ही कर दिया कीजिए, ताकि आपको याद रहे कि हाँ वीडियो को लाइक हमने कर दिया है। और ये मैंने आटा गूंथ के रख दिया, नहीं लग रहा उसमें। तो मैं उसको इसी बर्तन में करके रख देती हूँ, आटे को गूंथ करने के बाद रात को साफ कर देती हूँ, तो वो मेरे को डिस्टेंस मिल जाता है बनाने के लिए। तो मुझे जब तक वो पूरा साफ ना हो जाए जब तक फिर खाना नहीं बनता बिल्कुल भी, और मेरी तबियत थोड़ा ठीक नहीं है, सर में बहुत दर्द है इसलिए मैंने बांधा हुआ है। और काम भी करना जरूरी है, क्योंकि ये भी नहीं कि कहीं बाहर से खाना मिल रहा है, अभी सब जगह लॉकडाउन हो रहा है तो दुकानें भी नहीं खुल रही हैं। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ, फिर आपको नेक्स्ट ब्लॉग के साथ आऊँगी। तबियत देखती हूँ कैसी रहती है, और थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। देन बाय।